हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो पहले रिवाइज कर ले कि जॉइंट क्या है सो जॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टीथ जहाँ पे भी दो बोन कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कहेंगे हम जॉइंट ये कॉन्टैक्ट बोन और कार्टिलेज के बीच में भी होता है और बोन एंड टीथ में टीथ के बीच में भी प्रेजेंट होता है सो अल्टीमेटली जॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जॉइंट हैव थ्री टाइप फाइब्रस जॉइंट कार्टिलेजीनियस ज्वाइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट ये फाइब्रस एंड कार्टिलेजीनियस ज्वाइंट में साइनोवियल केविटी प्रेजेंट नहीं होती है मतलब दो आर्टिक्युलेटिंग बोन के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होती जबकि जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें दो आर्टिक्युलेटिंग बोन के बीच में साइनोवियल केविटी एक स्पेस प्रेजेंट होती है एज पर फंक्शन तो फंक्शन क्या कि जॉइंट कितनी मूवमेंट अलो करता है उसके हिसाब से जॉइंट को तीन टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट है हमारा सिन आर्थरोसिस जो कि इमूवेबल जॉइंट है मतलब कि यहाँ पे किसी भी टाइप की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है सेकंड है एम्फी आर्थरोसिस जो कि स्लाइटली मूवमेंट अलो करता है एंड थर्ड है हमारा डाई आर्थरोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट है तो अभी हम डिटेल में देखते हैं साइनोवियल जॉइंट सो इन साइनोवियल जॉइंट बोन फॉर्मिंग द जॉइंट हैव अ साइनोवियल केविटी एंड आर यूनाइटेड बाय द डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एन आर्टिकुलर कैप्स्यूल यहां पे साइनोवियल जॉइंट की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ स्पेस कोल्ड द साइनोवियल कैविटी दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है जैसे कि यहाँ ये एक बोन है और ये एक दूसरा बोन है तो ये फर्स्ट आर्टिकुलेटिंग बोन ये सेकंड इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे कहेंगे साइनोवियल कैविटी एंड कार्टिलेज कवर द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन ये जो दो बोन है उसको एक आर्टिकुलर कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि हाईलिन कार्टिलेज होती है वो इसे कवर करके रखती है तो ये दोनों एपिफाइसिस के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज है जो दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन को कवर करती है ये साइनोवियल केविटी अलो द जॉइंट टू बी फ्रीली मूवेबल साइनोवियल केविटी जो स्पेस प्रेजेंट है वो उसकी वजह से ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल है तो इसके लिए साइनोवियल जॉइंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन डाई टाइप का जॉइंट है मतलब कि इसमें मूवमेंट पॉसिबल है एंड दिस हाइट हाईलिन कार्टिलेज ऑल्सो कोल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे हमने जो कार्टिलेज दिखाया जो दोनों आर्टिक्यूलेटिंग बोन को कवर करके रखती है जिसे कहेंगे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज ये आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या काम करता है तो इसका फर्स्ट फंक्शन है इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स तो साइनोवियल जॉइंट हमारा मूवेबल जॉइंट है तो जब भी मूवमेंट होती है तब ये दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसका काम करती है ये हाइलिन कार्टिलेज इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन साथ ही में दूसरा फंक्शन है इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द शॉक तो ड्यूरिंग मूवमेंट जो भी शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है हमारी हाइलिन कार्टिलेज अभी हम ये देखें कि दोनों बोन को जो कनेक्ट करके रखा रखा है वो है आर्टिक्युलर कैप्स्यूल तो आर्टिकुलर कैप्स्यूल का स्ट्रक्चर क्या है सो so, आर्टिकुलर कैप्स्यूल सराउंड्स अ साइनोवियल जॉइंट एनक्लोज इज द साइनोवियल केविटी एंड यूनाइट द आर्टिकुलेटिंग बोन क्या काम करता है साइनोवियल केविटी को एनक्लोज करता है और दोनों आर्टिक्युलेटिंग बोन को यूनाइट करके रखता है तो कैप्सूल एक हमारी जो डोजेस फॉर्म है कैप्सूल उसी जैसा इनका स्ट्रक्चर है तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये आर्टिकुलर कैप्सूल है ऐसा आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होगा सराउंड द साइनोवियल जॉइंट विच इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर ये कैप्सूल में भी दो लेयर प्रेजेंट हो गए

यहाँ पे जो रेड कलर का है वो साइनोवियल मेंब्रेन है दैट इज इनर लेयर ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल अभी ये दोनों लेयर को थोड़ा और डिटेल में देखें सो फाइब्रस मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेग्यूलर कनेक्टिव टिश्यू दिस टिश्यू अटैच द अटैच टू द देरीओस्टियम ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन ये फाइब्रस मेम्ब्रेन जो पेरी ओस्टियम है पेरीओस्टियम क्या कि बोन के सबसे आउटर जो कवरिंग लेयर है ये है पेरी ओस्टियम तो ये पेरीओस्टियम के साथ ही कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे देखिए ये पेरीओस्टियम के साथ ही कनेक्ट हो रहा है तो एक्चुअल में फाइब्रस मेम्ब्रेन इज लिटरली अ थिकन कंटिन्यूएशन ऑफ द पेरीओस्टियम बिटवीन द बोन बोन का जो पेरीओस्टियम है उसका थीकन कंटिन्यू कंटिन्यूएशन है जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन को आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में प्रेजेंट है फाइब्रस मेम्ब्रेन की दो कैरेक्टरिस्टिक है एक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस फाइब्रस मेम्ब्रेन परमिट मूवमेंट एट अ जॉइंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे कि साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल है ये मूवमेंट को परमिट करता है साथ ही में मेम्ब्रेन के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है दैट इज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग ये स्ट्रेच को रेजिस्ट कर सकता है फाइब्रस मेम्ब्रेन के पास बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है विच हेल्प्स प्रिवेंट द बोन फ्रॉम द डिसलोकेटिंग तो जब भी साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट होती है तब जॉइंट डिसलोकेट ना हो जाए इसको प्रिवेंट करने का काम भी करता है ये फाइब्रस मेम्ब्रेन फाइब्रस मेम्ब्रेन में जो फाइबर्स हैं वो एक पैरेलल बंडल में अरेंज होते हैं जिसे हम कहेंगे लिगामेंट एंड दिस लिगामेंट आर हाईली एडेप्टेड फॉर द रेजिस्टिंग स्ट्रेन ये लिगामेंट ही मेन प्रिंसिपल मिकेनिकल फैक्टर है दैट होल्ड्स द बोन क्लोज टुगेदर इन अ साइनोवियल जॉइंट ये लिगामेंट्स बोन को बहुत ही क्लोजली होल्ड करके रखते हैं तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन दैट इज फाइब्रस मेम्ब्रेन नेक्स्ट है वो है इनर मेम्ब्रेन दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन सो साइनोवियल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू विथ इलास्टिक फाइबर एट मेनी साइनोवियल जॉइंट द साइनोवियल मेम्ब्रेन इंक्लूड एक्यूमोलेशन ऑफ एडिपोस टिश्यू दट इज एक्यूमलेशन ऑफ फैट एंड कोल्ड द आर्टिक्युलर फैट पैड कई जॉइंट में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसे हम कहेंगे आर्टिक्युलर फैट पैड इसका एक एग्जाम्पल है हमारे नी में जो पटेलर फैट पैड है तो यहाँ पर जो आप रेड कलर का देख रहे हैं लाइनिंग वो है हमारा इनर मेम्ब्रेन दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है कि ये जो केविटी प्रेजेंट है ये स्पेस प्रेजेंट है ये स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड है हमारा साइनोवियल फ्लूइड तो साइनोवियल फ्लूड क्या होता है साइनोवियल मेंब्रेन सिक्रेट द साइनोवियल फ्लूड विच इज़ अ विस्कस क्लियर और पेल येलो फ्लूड ये जो साइनोवियल मेंब्रेन है जो सिक्रेट करता है साइनोवियल फ्लूड को जो विस्कस होता है और पेल येलो कलर का होता है साइनोवियल फ्लूड किससे बना है तो एक तो उसमें हाईलूरोनिक एसिड प्रेजेंट है एक तो उसमें हाईरो एसिड प्रेजेंट है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रेट करते हैं हाई एसिड को और दूसरा प्रेजेंट होता है इंटरटिशियल फ्लूड जो कि फिल्टर होता है फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा सो साइनोवियल फ्लूड कंसिस्ट ऑफ हाईल्यूरोनिक एसिड एंड द इंटरटिशियल फ्लूड ये साइनोवियल फ्लूड फोमथीन फिल्म ओवर द सर्फेस विद इन द आर्टिक्यूलर कैप्स्यूल तो यहाँ पे जो आप येल्लो कलर का पोर्शन देख रहे हैं वो एक थीन लेयर बनाता है ओवर द सर्फेस विदीन द आर्टिक्युलर कैप्स्यूल ये फ्लूड का फंक्शन क्या है तो इसका एक फंक्शन है रिड्यूजिंग द फ्रिक्शन बाई ल्यूब्रिकेटिंग द ज्वाइंट ये फ्लूड साइनोवियल फ्लूइड एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है और ड्यूरिंग मूवमेंट जो भी फ्रिक्शन हो रहा है घिसाव हो रहा है उसे रिड्यूस करता है सेकंड फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द शॉक ड्यूरिंग मूवमेंट जितने भी शॉक होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही में इट सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय टू आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द कोंड्रोसाइड विदिन द आर्टिकुलर कार्टिलेज तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रियन प्रोवाइड करता है आर्टिक्युलर कार्टिलेज को और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबोलिक वेस्ट को रिमूव करता है ऐसा क्यों करना पड़ता है क्योंकि आर्टिक्युलर कार्टिलेज है जो कि एवास्क्युलर है मतलब कि इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है अगर ब्लड वैसल प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड नहीं है और ब्लड है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है तो यहाँ पे बिकॉज कार्टिलेज ए वास्क्यूलर है तो जो ब्लड वेसल का काम है वो करेगा हमारा साइनोवियल फ्लूड इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड इट रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबोलिक वेस्ट साथ ही में साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं फेगोसाइटिक सेल ये फेगोसाइटिक सेल क्या करता है इट रिमूव द माइक्रोब्स ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है साथ ही में जॉइंट्स की जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है उसमें डेब्रीज जनरेट होती है ये डेब्रीज को रिमूव करने का काम भी करेगा साइनोवियल फ्लूड जैसे ही साइनोवियल ज्वाइंट थोड़ी देर के लिए अगर इमोबाइल हो इसमें किसी भी टाइप की मूवमेंट ना हो तो ये साइनोवियल फ्लूड है जो धीरे धीरे थोड़ा थिक वो हो जाएगा वो थोड़ा और विस्कस हो जाएगा बट जैसे ही जॉइंट मूवमेंट स्टार्ट होगी जॉइंट मूवमेंट इंक्रीज होगी ये साइनोवियल फ्लूड है जो कि लेस विस्कस हो जाएगा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम एग्जाम्पल तो कि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं तो ये अप क्या है जिससे कि जॉइंट की, की मूवमेंट इंक्रीज हो और जैसे ही साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट इंक्रीज होगी साइनोवियल फ्लूड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट होगा उतना जो स्ट्रेस है वो कम होगा इसकी वजह से एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म करना चाहिए ताकि साइनोवियल फ्लुइड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए और जितना ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होगा उतना फिक्सन कम रहेगा तो ये हुआ साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन अभी साइनोवियल जॉइंट है जो कि डाईआर्थ्रोसिस है बहुत सारी मूवमेंट ये परमिट करता है तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे परमिट साइनोवियल जॉइंट आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज प्लानर हेंज फाइवर्ड कॉन डायलॉइड सैडल एंड बोल एंड सॉकेट तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट साइनोवियल ज्वाइंट को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं तो ये वीडियो में हमने देखा कि साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है तो कि साइनोवियल जॉइंट एक तो डाईआर्थरोसिस है मतलब फ्रीली मूवेबल है इसके एनाटोमिकल कैरेक्टरिस्टिक में साइनोवियल स्पेस प्रेजेंट है दैट इज साइनोवियल केविटी आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट है जो दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन को कनेक्ट करके रखी हुई है जिसके दो मेम्ब्रेन हैं फाइब्रस आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल केविटी में प्रेजेंट होगा साइनोवियल फ्लू तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स